दो दिन पहले गांव जाटल से जोगिंदर ठेकेदार ने फोन पर बातचीत का एक ऑडियो वायरल किया था, जिसमें जोगिंदर ने पार्षद संजीव दैया पर गंभीर आरोप लगाए थे। जोगिंदर ने मीडिया के सामने आकर सभी आरोपों को निराधार बताया है और यह बात वह बिना किसी दबाव में बोल रहे हैं। ठेकेदार जोगिंदर ने कहा कि उन्हें शक था कि उनकी पेमेंट संजीव दैया ने रुकवाई है। वह पैसों को लेकर काफ़ी परेशान था, जिसको लेकर उसने यह ऑडियो वायरल किया। लेकिन ठेकेदार जोगिंदर के मन में अब कोई शंका नहीं है और संजीव दैया पर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। मैं जोगिंदर ठेकेदार जाटल से, कल मैंने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें कमीशन की पैसे की कुछ बात कही थी जो कि निराधार है। मेरे को शक था कि मेरी पेमेंट जो रुकी हुई है वो संजीव दैया ने रुकवा रखी है और मैं पैसे के लिए बहुत ही परेशान था। लेकिन आज जब मेरे को पता लगा, भाई साहब के साथ मैं बैठा, उनने सारी चीज़ बताई, तो उनकी वजह से पेमेंट नहीं रुक रही है। ये मेरा बहम था, इसलिए जो शब्द मैंने कहे थे वो सब मैं वापसी लेता हूँ। संजीव भाई साहब का कोई कसूर नहीं है इसमें, नहीं कोई दबाव नहीं है। ये मेरी बुआ का लड़का, मैं इसकी बुआ का लड़का हूँ, कोई दबाव नहीं, हमारी रिश्तेदारी पड़ती है। लेकिन एक शक था, उस शक के बिना पता नहीं किसने क्या कह दिया क्या नहीं, और परेशान मैं वैसे था पेमेंट के लिए, क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं हो रही। मेरा सारा शक इनके ऊपर था जो कि गलत था।